मित्रों, इस संसार में सारा खेल मन का ही है। आपके साथ जो कुछ हुआ है वो आपके मन के कारण हुआ है, जो हो रहा है वो भी आपके मन के कारण ही है, और आगे जो होगा वो भी आपके मन का ही परिणाम होगा। हम सभी को बचपन से ही अच्छे व्यवहार, अच्छी नैतिकता, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। चाहे आप गरीब घर में पैदा हुए हो या अमीर घर में, हम बचपन से जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, वह अच्छे व्यवहार, अच्छे संस्कार के अनुसार समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम देखते हैं दुनिया में बुरा ही बुरा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि बचपन से सभी लोगों को उनके माता पिता गुरु के द्वारा अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में यह सारा खेल हमारे मन का है। इस पर आप जरा गंभीरता से सोचिए। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसकी इच्छा कम होती है, उसके विचार कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और अपनी उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसका मन यह सोच ही नहीं पाता है कि उसकी वो कामना अच्छी है या बुरी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन ही हमारे सभी प्रवृत्तियों और कार्यों का प्रधान है। यानी हम जो कुछ भी करते हैं वह सब कुछ अपने मन के कारण ही करते हैं। मन के कारण ही हमारे अंदर इच्छाओं या कामनाओं का जन्म होता है। आपने यह तो जरूर सुना होगा कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु यह बात सिर्फ कुछ ही हद तक सत्य है। मेरा मानना है कि यह बात 100% उन चीजों के लिए सही है जिनके पास अपनी बुद्धि और मन नहीं है। परंतु हम मनुष्यों को ईश्वर ने मन और बुद्धि दोनों दिया हुआ है, इसलिए यह बातें मनुष्यों के लिए 100% सत्य नहीं है। असल में आपके मन के मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जब भी कुछ अच्छा करते हैं तब उसका श्रेय खुद को देते हैं, और जब कुछ बुरा करते हैं तो उसे भगवान या किसी और की इच्छा के ऊपर मर देते हैं। परंतु यह सारा खेल मनुष्यों के मन का ही है। यह मन भ्रम भी दिखाता है, खुशियां भी दिखाता है, और आपको दुख भी महसूस होने देता है, और वही दूसरे समय आपको लालच भी दिखा देता है। हम सभी का हमारे मन पर काफी हद तक कंट्रोल होना चाहिए, परंतु पूरा जीवन मन ही हमको कंट्रोल करता रहता है। मन कहता है इस रास्ते पर चलो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह रास्ता सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, पर मन इसे क्लियर नहीं कर पाता है। वह सिर्फ यही सोचता है कि दुख कैसे दूर हो, और ज्यादातर लोग अपने मन के अनुसार गलत रास्ते पर ही चल जाते हैं। दोस्तों, मेरी यह बात सुनकर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, क्यों यह हमारे साथ ऐसा खेल खेलता है। मित्रों, इसे आप एक कहानी से समझिए। यदि आप इस कहानी को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। एक बार एक गांव में एक गुरु थे जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वे मन पर विजय प्राप्त कर लिए हैं और अब वह बिल्कुल शांत हैं। उनके अंदर कोई भी बुरी प्रवृत्ति नहीं रह गई है। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन को सुनने आते थे, उनका आदर करते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक महान गुरु आए और गांव के लोग उन महान गुरु के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होने लग गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गांव के लोग उन महान गुरु की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे। अब उन गांव के पुराने गुरु के पास कुछ ही लोग जाते थे और वे लोग कहते थे कि गुरुदेव, हम तो आपके भक्त हैं, और वो महागुरु महाढोंगी है, महाझूठा है। वह लोगों को बहला फुसला कर रखता है, और धीरे धीरे सभी लोग उनके बातों की ओर खींचे चले जा रहे हैं, और वो तो आपकी भी निंदा करता है। वो कहता है कि आपने अपने मन पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं किया है, आप झूठ बोलते हैं। गुरु अपने भक्तों के मुख से यह बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम भी वहां जा सकते हो। गुरु की यह बात सुनकर वे सभी लोग वहां से चले गए, परंतु रात भर उन गुरु को नींद नहीं आई। वो पूरी रात बेचैन रहे और उन्होंने सोचा क्यों न चलकर देखा जाए कि आखिर ये महागुरु कौन है। अगले दिन पुराने गुरु उस महागुरु के पास पहुंचे। उन्होंने वहां देखा, वहां बहुत भीड़ लगी है, सभी उन महागुरु की जय जयकार कर रहे हैं। यह बात उन गुरु को अच्छी नहीं लगी और वे लोगों के बीच पहुंचकर बोले कि इतने दिनों तक मैंने तुम सभी को ज्ञान दिया, तुम सभी उन्नत किए, और यह झूठा महागुरु न जाने कहां से आया और तुम लोग इसके पीछे पीछे चल दिए। देखना, एक दिन तुम लोग जरूर पछताओगे। मैं इस महागुरु को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं, ये आए और मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, और अगर ये महागुरु जीत गया
तो मैं यह गांव यह नगर छोड़कर चला जाऊंगा। महागुरु ने गांव के पुराने गुरु की चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक दिन दोनों के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ के समय जब पुराने गुरु को यह एहसास हुआ कि वो हार रहे हैं तो वे बीच से ही उठकर वहां से चले गए और रात भर यही सोचते रहे कि कैसे इस महागुरु को इस गांव से इस नगर से भगाया जाए। और इसके लिए वे कई तरीके के षड्यंत्र भी रच रहे थे पर उनका कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया। और अंत में परेशान होकर एक दिन रात में वे अपने हाथों में हथियार लेकर महागुरु की हत्या करने के लिए निकल गए। वह गुरु हाथ में कटार लिए हुए महागुरु के आश्रम में पहुंचे और जैसे ही महागुरु पर प्रहार करने जा रहे थे तभी महागुरु की आंखें खुल गईं और उन्होंने गांव के गुरु को रोकते हुए कहा कि क्या तुम्हें अभी भी ये समझ में नहीं आया है कि तुम अभी भी भ्रम में जी रहे हो। सोचो, अगर तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो यह हथियार तुम्हें किसने थमाया? यह क्रोध जो तुम्हारे ऊपर आया है यह कहां से आया? कौन है इसके पीछे? गुरु ने कहा, यह सभी चीजें आपकी वजह से हैं। अगर आप यहां नहीं आए होते तो यह सब न होता। महागुरु समझ गए उन गुरु का मन पूरी तरीके से उन पर हावी हो गया है। उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं और उनकी समझ भी खत्म हो चुकी है। महागुरु ने कहा कि क्या तुम बुरे इंसान हो? गुरु ने कहा, नहीं। महागुरु फिर बोले, क्या तुम अत्याचारी हो? गुरु ने कहा, नहीं। तो अवश्य ही तुम लालची होगे। गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तब महागुरु ने कहा, तो तुम्हारे हाथ में यह हथियार कैसे आया? तुम क्या करना चाहते हो? तब गुरु ने अपने हाथों की ओर देखा और कटार फेंक दी। वे महागुरु के चरणों में झुक गए और बोले, हे महागुरु, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। पर हे महागुरु, मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया था, अपने मन पर काबू कर लिया था, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? तब महागुरु कहते हैं, मन कहीं नहीं जाता, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। असल में यह मन इतना चालाक है कि जब तुम सोचते हो कि तुमने मन पर काबू कर लिया है तब यह तुम्हें भ्रम में रखता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि हाँ, तुमने इस पर काबू कर लिया है, पर वक्त आने पर यह तुम्हें ही काबू कर लेता है। जब तुम हारते हो तो यह तुम्हें तुम्हारी जीत के सपने दिखाता है, जब तुम जीतते हो तब तुम्हें यह हार के डर से डराता है, यह तुम्हें सफलता के लिए प्रेरित भी करता है और तुम्हें असफलता के डर से डराकर और भी बुरे कार्य करा लेता है। महागुरु की ऐसी बातें सुनकर वे पुराने गुरु कहें कि हे महागुरु, ये मन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है? वह हमें स्वतंत्र जीने क्यों नहीं देता? क्यों यह हमें नचाता रहता है? महागुरु ने कहा, यह मन दोधारी तलवार है और अगर तुम इसे चलाना नहीं जानते हो तब तुम इससे अपने आप को ही घायल कर लेते हो। देखो, तुम हो तो मन है, तुम नहीं तो मन नहीं। तुम्हारे अस्तित्व के लिए मन का होना आवश्यक है। बिना मन के तुम कुछ भी नहीं जान सकते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। और अगर तुम मन को सही तरीके से नहीं समझ सके तो भी तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, अज्ञानी की अज्ञानी ही रह जाओगे। लेकिन मन और बुद्धि के सही तालमेल से बहुत कुछ जान सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यह सब सुनकर गुरु ने महागुरु को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरी दोबारा से आंखें खोल दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में सिर्फ मन के अधीन होकर ही सभी कुछ करते हैं। जो मन हमें बोलता है बिना परिणाम के बारे में सोचे वही सब कुछ करते रहते हैं। अगर हम मन से ऊपर उठकर उसे जानने का प्रयास करें तो हम अपने लिए हर असंभव को संभव बना सकते हैं और अनेक तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। असल में हमारे मन का कार्य हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए रास्ता दिखाना होता है। कोई कार्य अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, कार्य को कैसे करना है, कैसे उसे पूरा करना है, यह काम मन का नहीं है। हमारा मन अच्छे और बुरे दोनों रास्ते को दिखाता है, पर आपको अपनी बुद्धि और समझ का प्रयोग करके अच्छे और बुरे, सही और गलत को पहचान करके निर्णय लेना होता है। और इसी तरीके से आपका लिया गया निर्णय आपके भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का जन्मदाता होता है। दोस्तों, हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि यदि आप इसे यूं ही अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए खुली छूट दे दोगे तो यह आपको हमेशा बर्बादी की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि वहां आराम है, वासना है, लालच है। पर यदि आप इसका बड़े सूझबूझ से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा, आपको एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मन के बारे में ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।